हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं थर्मल टेक के बहुत सारे प्रोडक्ट। यहाँ पर मुझे थर्मल टेक ने काफ़ी टाइम पहले अपने बहुत सारे प्रोडक्ट दिए थे बिल्ड के लिए, तो बिल्ड बनाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना चलो सभी को अनबॉक्स करके आप लोग को दिखाया जाए कि यहाँ पर थर्मल टेक ने हमें क्या क्या चीज़ें भेजी हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ों को अनबॉक्स करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग बड़े वाले बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो जाहिर सी बात है ये कैबिनेट है और आप बाहर से देख सकते हो कि ये दिखता कैसा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक मिस्ट्री अनबॉक्स करेंगे, यहाँ पर उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग इसके बाद अनबॉक्स करेंगे। अब इस थर्मल टेक के कैबिनेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये थर्मल टेक का कैबिनेट एक फ्लैगशिप कैबिनेट है और ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो लोग लिक्विड कूलिंग बेस्ड पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हैं और आप लिक्विड कूलिंग बनाने का सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आपका जो है लिक्विड कूलिंग लोग देखें, तो ये कैबिनेट भाई आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर मतलब इस कैबिनेट में ना आपको चारों तरफ ग्लासेस देखने को मिलती है, फ्रंट पे भी है, साइड पे भी है, तो आपको जो वर्क है वो बहुत ही अच्छे से इस कैबिनेट में शो होता है। अबे यार साला बड़ा भारी है, करंट मारेगा हमेशा की तरह। नहीं मारा है। ओपे तेरी शिट मैन, अब हम सोच रहे थे इस बार नहीं मारेगा। लो भाई खुल जा मेरे भाई इज्जत से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई काफ़ी बड़ा कैबिनेट है, और जो मैं भी कैबिनेट यूज़ कर रहा हूँ ना वो NZXT का H710i है। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे इसका लुक जो यहाँ पर आपको फाइनल मिलता है ना वो फाड़ू है। चारों तरफ यहाँ पर आपको जो है वो मिलता है, ग्लास इधर भी है, इधर आपको बड़े बड़े फैंस देखने को मिलते हैं, ऊपर आपको खूब बड़ा सा ग्लास देखने को मिलता है। लिटरली आप 360mm का रेडिएटर माउंट करना चाहते हो इजीली माउंट कर सकते हो। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको छोटा सा साइड में अलग कंपार्टमेंट मिलता है, ताकि अगर आप यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की केबल मैनेजमेंट करना चाहते हो, बहुत सारा केबल हाइड करना चाहते हो ना, लिटरली आप कर सकते हो। और यार अगर आप अल्टीमेट कैटेगरी का पीसी बनाने वाले हो ना, ये पीसी कैबिनेट आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पर अल्टीमेट कैटेगरी का पीसी बिल्ड करने वाले हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये कैबिनेट भी चीप में नहीं आता है। करेंटली इस कैबिनेट की जो मार्केट प्राइस है ना वो लगभग 30,000 रुपीज़ के आसपास है। वैसे मुझे एग्जैक्ट प्राइस के बारे में मालूम नहीं है, यहाँ पर मैं इसकी एग्जैक्ट प्राइस मेंशन कर दूंगा। बाय द वे यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जितनी भी चीज़ें आप लेना चाहते हो ना उनका आपका बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग उसे चेक भी कर सकते हो। अब ये बॉक्स जो मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ ना, यहाँ पर जो है आपको थर्मल टेक के वो देखने को मिलने हैं, यानी कि पेरिफेरल्स। बाकी सारे यहाँ पर थर्मल टेक्स और भी बहुत सारे पेरिफेरल्स बनाती है, जैसे कि माउस कीबोर्ड ही बनाती है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मेरे पास माउस कीबोर्ड नहीं है, केवल पीसी बिल्ड करने का सामान है। फर्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर वो है थर्मल टेक का पावर सप्लाई है, ये 80+ गोल्ड है, तो जाहिर सी बात है पावर एफिशिएंसी आपको बेहतरीन ऑफर करने वाली है। फुल मॉड्यूलर पावर सप्लाई है और जो इसकी रेटिंग है ना वो लगभग है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 850 वॉट होनी चाहिए। हाँ 850 वॉट, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 850 वॉट की पावर सप्लाई अभी हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थर्मल टेक की जो है रैम है, टफ रैम। यार अगर आप मार्केट में ऐसी रैम लेना चाहते हो जो कि आपको बहुत अलग लुक प्रोवाइड करे, तो थर्मल टेक की टफ रैम आपको लिए बिल्कुल एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है, बहुत यूनिक लुक प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊं, ये आप देख सकते हो बहुत यूनिक लुकिंग रैम है। एटलीस्ट आप देख सकते हो कि ये आपको कुछ इस तरह से रैम देखने को मिलती है, और जब आप पीसी के ऊपर से लगाते हो ना तो ये हिस्सा RGB वाला, जिसको कि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हो। वही आप में से जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है इसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं बता दूँ 3200 MHz है। ठीक है यार 3200 कोई बुरी नहीं है। बाकी आप में से जो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि इस रैम की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैं आपको बता दूँ 3200 MHz की है CL16 रैम, तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देती है। वैसे इसका शायद 3600 MHz का भी एक वेरियंट आता है, तो आप में से जो लोग बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा लुक भी चाहते हैं, तो आप लोग इस रैम के साथ जा सकते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको किनारे रखते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पर हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ना, वो है यहाँ पर थर्मल टेक का AIO। इस AIO के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये केवल 240mm का एक लिक्विड कूलर है, परफेक्ट रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग राइजन 5 या राइजन 7 Core i5 Core i7 बेस पीसी बिल्ड करना चाहते हैं। हालांकि अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीमली बिल्कुल मैक्स आउट परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो आप 360mm का इसका एक वेरियंट आता है, उसके ऊपर मैंने एक पीसी बिल्ड भी बहुत पहले मैंने अपने चैनल पे किया था, तो आप लोग उस वेरिएंट के साथ भी जा सकते हो। इसको थोड़ा सा अनबॉक्स भी कर लेते हैं।
ताकि अगर आप लोग जो देखना चाहते हैं वो इसे देख भी सकते हैं। तो बॉक्स में थोड़े बहुत मैनुअल वैनुअल, बाकी मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना जो चाहता हूँ ना वो ये है इसका रेडिएटर और पंप। जो मेन चीज़ होती है जो आपको लुक प्रोवाइड करता है ना वो इसका पंप। ये पंप आपको ARGB लाइटिंग के साथ आता है, तो मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर के साथ इसे कंट्रोल भी करना चाहते हो ना तो आप लोग इसे कंट्रोल भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको दो ARGB फैंस भी मिल रहे हैं। अब एक काम करते हैं, सब चीज़ों को हम लोग किनारे रखते हैं और पावर सप्लाई को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं पावर सप्लाई हमें कैसा लुक और क्या क्या फीचर प्रोवाइड करती है। नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स आवर पावर सप्लाई। इस पावर सप्लाई को मैं खुद पर्सनली अपने आने वाले बिल्ड में यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर पर्सनली मैं खुद अपने लिए एक PC बिल्ड करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं ये पावर सप्लाई यूज़ करूँगा। बाकी यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है ना, ये जापानीज़ कैपेसिटर्स के साथ आती है। जापानीज़ कैपेसिटर्स के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ, कैपेसिटर्स बेसिकली करंट्स को ना थोड़ा सा फिल्टर करते हैं और पावर सप्लाई में ये मेन रोल प्ले करते हैं। बजट सेगमेंट की जो पावर सप्लाई होती है वहाँ पर आपको थोड़े से चीप कैपेसिटर्स देखने को मिलते हैं, और पावर सप्लाई जब उड़ती है ना तो जो पावर सप्लाई में चीज़ें उड़ती हैं वो सबसे पहले कैपेसिटर्स ही उड़ते हैं। तो जितने अच्छे कैपेसिटर्स होंगे उतना क्लीन आपको करंट मिलता है और पावर सप्लाई भी आपको उतना रिलायबल पावर प्रोवाइड करती है। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ, थोड़े बहुत मैनुअल, और ये है पावर सप्लाई का जो मेन यूनिट है उसका कंपार्टमेंट। पावर सप्लाई आपको यहाँ पर एक छोटे से कवर में मिल जाती है। ये रही हमारी पावर सप्लाई, आप देख सकते हो फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। इसके अंदर आपको RGB फैन नहीं मिलता। यहाँ पर जो है थर्मलटेक के कुछ पावर सप्लाई होते हैं वहाँ पर आपको RGB फैन भी देखने को मिलता है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ना, पावर सप्लाई में RGB का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो आपके कैबिनेट के बिल्कुल नीचे साइड पर रहती है, फ़ैन भी बिल्कुल नीचे रहता है, वो आपको दिखता नहीं है। हाँ वो बात अलग है, टेबल के ऊपर अगर अपना कैबिनेट रखते हो ना तो थोड़ा सा नीचे इल्यूमिनेशन आता है RGB का, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग को अच्छा लगे। वैसे ये पावर सप्लाई मैं खुद अपने पर्सनल PC में यूज़ करूँगा और मेरा पर्सनल बिल्ड जो होगा ना वो भी हमारे चैनल पर बहुत जल्दी लाइव होने वाला है। और RTX 3090 तो खैर आ ही गया है, बाकी भी कुछ चीज़ें सरप्राइज़ हैं वो भी आपको टाइम रहते देखने को बहुत जल्दी मिल जाएंगी, रिवील हो जाएगा बहुत जल्दी कि यहाँ पर आने वाले टाइम पे मैं क्या स्पेक्स वाला PC बिल्ड करने वाला हूँ। अब एक काम करते हैं यार, जल्दी जल्दी इसे पैक कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को अब इस पर करना है एक बिल्ड। बिल्ड वाला वीडियो जो है वो भी 3-4 दिन में लाइव हो जाएगा होपफुली। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो यार सब्सक्राइब कर लो, हम लोग बहुत ऑसम वीडियोज़ बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली हैं। वैसे दोस्तों ये तो इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।